नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ योगिता। स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल बोल्ड स्काई में। कई लोगों को कटहल खाना बेहद पसंद होता है। कटहल कच्चा और पका हुआ दोनों तरीके से खाया जाता है। कटहल के कई स्वास्थ्य लाभ हैं क्योंकि इनमें बहुत से पोषक तत्व मौजूद होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कटहल खाने से शरीर को कई नुकसान भी पहुंचते हैं? कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कटहल खाने के नुकसान के बारे में नहीं पता होता। कुछ ऐसी बीमारी होती है जिनमें कटहल खाना नुकसानदायक साबित हो सकता है। ऐसे में आपको सीमित मात्रा में कटहल खाना चाहिए। आइए जानते हैं किन बीमारी वाले लोगों को कटहल नहीं खाना चाहिए। प्रेगनेंसी वाली महिलाएं ना करें सेवन। प्रेग्नेंट महिलाओं को कटहल नहीं खाना चाहिए। कटहल में मौजूद इनसॉल्युबल फाइबर होता है जो माँ और बच्चे दोनों स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होता है। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिलाओं को भी कटहल नहीं खाना चाहिए। पेट की समस्या, जरूरत से ज्यादा कटहल खाने से पेट संबंधित समस्याएं होने लगती है। कटहल में फाइबर होता है जो पाचन शक्ति को प्रभावित करता है और कब्ज, दस्त, ब्लोटिंग और एसिडिटी की समस्या को बढ़ावा देता है। ब्लड डिसऑर्डर, जिन लोगों को ब्लड से जुड़ी कोई समस्या या डिसऑर्डर होता है उन्हें कटहल नहीं खाना चाहिए। कटहल कोगुलेशन को बढ़ाता है जिससे समस्या और बढ़ने का खतरा हो जाता है। डायबिटीज, आमतौर पर कटहल डायबिटीज वाले मरीजों के लिए अच्छा होता है लेकिन यह ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को प्रभावित करता है जिससे डायबिटीज वाले मरीजों के लिए खतरा बढ़ जाता है। इसलिए डायबिटीज वाले मरीजों को सीमित मात्रा में कटहल का सेवन करना चाहिए। एलर्जी होने पर, जिन लोगों को किसी भी प्रकार की एलर्जी की समस्या होती है उन्हें कटहल खाने से बचना चाहिए। यदि एलर्जी से ग्रसित लोग कटहल खाते हैं तो उनकी समस्या और बढ़ सकती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।